हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का उद्भव और विकास, डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर। तो सबसे पहले बात करते हैं अबेकस। यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसका आविष्कार 16वीं सदी में ली काई-चेन ने किया था। इसे संचार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। इसमें तारों को गोलाकार मनके पिरोई जाती है। फिर है पास्कल लाइन। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी। इसे एडिंग मशीन भी कहा जा गया। फ्रेड डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डी का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंचकार्ड कि दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। गणनाएं जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकती थी। लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। लेडी एडा अगस्टा को उन्हें दो अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर क्षेत्र में योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। फ्रेड सेंसस टेबुलेटर 1980 में यूएसए में वैज्ञानिक हरमन होलेथिक ने इस विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। उन्हें पंचकार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। फिर मार्क एबीएम, मार्क एबीएम 1973 से 1988 के बीच, सॉरी 1984 के बीच आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना का आविष्कार किया गया। फिर एबीसी अटेंस ऑफ बेनी कंप्यूटर 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। फिर एनिक इलेक्ट्रॉनिक नोमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कैलकुलेटर 1946 में यूएसए वैज्ञानिक जे पी एकैट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे एनिक नाम दिया गया। फिर एडी वीएसई इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनिक कंप्यूटर नंबर प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। उसके निपटने के लिए न्यूमैन से संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा एडबैक का विकास किया। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन का था है। इन्हें डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली जीरो और वन में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। फिर एसी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यक्रमों के लिए किया गया। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवेक का निर्माण 1954 में जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने किया। फिर माइक्रो प्रोसेसर 1980 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ।
जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। एप्पल सेकेंड 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे एप्पल सेकेंड नाम दिया गया। अब बात चलिए तो बात करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, ये सामान्य जानकारी थी कंप्यूटर की। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डेटा लेता है और उस पर प्रक्रिया करके अर्थपूर्ण परिणाम देता है। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकल यंत्र कहते हैं। इसके अन्य नाम में संगणक व परिकलक है, तो याद रखिए इसका हिंदी भाषा में अभिकल यंत्र कहते हैं। इसके अन्य नाम में संगणक और परिकलक है। कंप्यूटर दिए गए गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को क्रम में स्वचालित रूप से करने में पूर्णतः सक्षम है। कंप्यूटर जो डेटा लेता है उसे हम इनपुट डाटा बोलते हैं, और ये डेटा पर प्रोसेसिंग करके जो परिणाम वापस देता है उसे आउटपुट डाटा कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर उपयोग के आधार पर और कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर उपयोग के आधार पर। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी, पांचवी। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। आकार और कार के, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये 1942 से 55 तक। इस जनरेशन के कंप्यूटर डायोड वाल निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया, इसे डायोड कहा गया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसमें ट्यूब निर्वात का प्रयोग किया गया। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था। भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ये बड़े आकार और अधिक ऊर्जा खपत वाले थे। एनिक, यूनिवेक तथा IBM के मार्क फर्स्ट इसके उदाहरण हैं, फर्स्ट पीढ़ी के। 1952 में डॉक्टर ग्रेंस हाफर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया था। फिर द्वितीय पीढ़ी के, ये 1955 से 64 तक, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तार्किक उपकरण वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। इसकी गति और त्रुटियां कम थी। पंच कार्ड की जगह चुंबकीय भंडारण का प्रयोग किया गया, जिसमें भंडार क्षमता और गति में वृद्धि हुई। व्यवसाय तथा उपयोग में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया। सॉफ्टवेयर कोबोल और फोर्टोन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास IBM द्वारा किया गया। उसमें प्रोग्राम लिखना आसान हुआ, द्वितीय पीढ़ी में, याद रखिए। फिर आती है हमारी तृतीय पीढ़ी, 1964 से 75 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का उपयोग किया गया। एक IC में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तीनों ही समाहित हो गए, जिससे कंप्यूटर का आकार अत्यंत छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र एक छोटे चिप बन गए। प्रारंभ में SSI स्मॉल स्केल इंटरग्रेशन, बाद में MSI मीडियम स्केल इंटरग्रेशन का प्रयोग किया गया। चुंबकीय टेप और डिस्क के भंडार की क्षमता में वृद्धि हुई। रैम में कारण गति में वृद्धि हुई। रैम के कारण उच्च स्तरीय भाषा में पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। टाइम सेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इसी में 1965 में DEC डिजिटल इक्वाइपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP 8 प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 8 का विकास हुआ।
फिर आती है हमारी चतुर्थ पीढ़ी, ये 1975 से 89 फोर्थ जनरेशन। इस पीढ़ी में लार्ज स्केल आईसी बनाना संभव हुआ। ये छोटे से छोटे चिप में लाखों ट्रांजिस्टर समा गए। आकार में कमी आई, इस चिप के को माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया, ISI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एम ई हॉप ने 1971 में किया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंतीव हो गया। उच्च स्तरीय उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। 1981 में IBM में माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे PC पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, MS विंडो, एप्पल OS ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ, जिसे प्रोग्रामिंग सरल था। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। फिर है पांचवी पीढ़ी का, 1989 से अब तक। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चिप पर लगाया जा सका। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD के विकास में भंडार क्षेत्र में क्रांति ला दी। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हुआ। मैग्नेटिक डबल मेमोरी के प्रयोग से भंडार क्षमता में वृद्धि हुई। पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC को जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ दिया गया। IC का विकास 1958 में जैक केल्वी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। सिलिकन की तरह बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया। HF अर्धचालक पदार्थ सिलिकन या जर्मेनियम के बने होते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिंग, विलियम साकल, वाल्टर बेटन ने किया। अर्धचालक पदार्थ सिलिकन SI जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। कंप्यूटर निर्माण में उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अब है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के औद्योगिक नामक मानक है, जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों द्वारा कम दूरी पर बेतार तकनीकी द्वारा कंप्यूटर को नेट से जोड़ा जाता है। PC विकास 1981 में हुआ, जिससे माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। इसमें हाई ड्राइव PC XT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। कार्य तथा कार्य क्षमता के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर जिसके कार्य करने की क्षमता 500 मेगावाट फ्लॉप्स से अधिक हो, उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इनमें मल्टी प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें 32 से 64 समांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जाता है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर में गीगा फ्लॉप्स तथा टेरा फ्लॉप्स तक की गति पाई जाती है। इसका इस्तेमाल उच्च स्तरीय संघन गणनात्मक कार्यों, आणविक मॉडलिंग, भौतिक सिमुलेशन, अनुकार विश्वविद्यालय, सैन्य एजेंसियों, वैज्ञानिकों अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। फिर विश्व सुपर कंप्यूटर प्रमुख विश्व के प्रमुख सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर K1S है, जिसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में तैयार किया। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इससे कई प्रोसेसर समांतर प्रोसेसिंग में क्रम में लगे हुए रहते हैं। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर भारत में परम सीरीज के
कि सुपर कंप्यूटर का परम 10,000 का निर्माण सी डेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा 1998 में किया गया। इसकी गणना क्षमता 100 गीगा फ्लॉप यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड है। इसका निर्माण का श्रेय सी डेक के निदेशक विजय भास्कर को जाता है। सी डेक ने पदम पदम नाम से भी सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों में यूएसए, जापान, चाइना, इजराइल, इंडिया के पास ही उपलब्ध है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा, जबकि पेन सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास डीआरडीओ डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद द्वारा किया गया। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फेलो सॉल्वर का विकास नाल बेंगलोर द्वारा किया गया, नेशनल एरोनॉटिक्स लैब द्वारा। दुनिया का सबसे तेज गणना करने वाला कंप्यूटर 93 सेकंड चीन का मेनफ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को छोड़कर विशाल आकार वाले सभी कंप्यूटर को मेनफ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ये सामान्यतः 32 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इस पर एक से अधिक लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये मुख्यतः बड़े संगठनों द्वारा आमतौर पर अत्यधिक आंकड़ों जैसे जनगणना बड़े बड़े उद्योगों इस्तेमाल किया करते हैं। उदाहरण के लिए IBM 36,360 IBM 360 फिर मिनी कंप्यूटर। यह एक औसत दर्जे का बहुउपभोक्ता उपयोगिता कंप्यूटर है जो कि मेनफ्रेम से कम शक्ति वाला और माइक्रो से अधिक क्षमता वाला होता है। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक गति से कार्य करता है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा अंकीय संगणक जिसका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन पर आधारित है। यह समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए होता है। उदाहरण घरों में उपयोग की जाने वाले कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग शब्द का अर्थ होता है दो राशियों में अनुरूपता। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतकों में परिवर्तित किया जाता है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए हैं। फिर अंकीय कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत गणनात्मक उपकरण है जो संख्यात्मक अथवा प्रतीकात्मक जानकारी को निर्दिष्ट या गणनात्मक प्रक्रियाओं के अनुरूप बदलता है। उदाहरण के लिए सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, लैपटॉप। संकर कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एक प्रकार का मध्यवर्ती उपकरण है जो एक एनालॉग को मानक अंकों में परिवर्तित करता है। इनमें अनुरूप तथा अंकीय दोनों प्रकार के संगठनों की विशेषता होती है। इनका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस डाटा प्रोग्राम अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिकी युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाता है। चूंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतकों 0 या 1 या ऑन ऑफ को समझ पा सकता है, अतः सभी डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से बाइनरी संकेत में बदलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इनसे संदेश लेकर कंप्यूटर उन प्रोग्राम के अनुरूप काम करता है, जैसे माउस, स्कैनर, जैस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टैग बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन, किम्बॉल, टैग रीडर, MICR, OMR, OCR, जॉयस्टिक आदि, कीबोर्ड। ठीक, तो इसके द्वारा हम अल्फाबेटिकल नंबर्स, सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। कीबोर्ड टाइपर जैसा उपकरण होता है जिसमें कंप्यूटर में सूचनाएं दर्ज करने के लिए बटन दिए जाते हैं।
जिन्हें हम की कहते हैं। मैन कीबोर्ड, इसमें अंग्रेजों के अंग्रेजी के सभी अक्षर ए टू जेड से अंक 0 से 9 तक कुछ चिन्ह रहते हैं। फंक्शन की, इसे F1 से F12 तक अंकित बटन को फंक्शन की कहते हैं। न्यूमेरिकल की, पेड, संख्यात्मक की पेड में 0 से 9 तक दशमलव, जोड़ घटाव गुणा भाग के बटन होते हैं न्यूमेरिकल की में, फंक्शन की F1 से F12 तक। ठीक, कर्सर मूवमेंट की, कर्सर 3 तीर के समान वाले 4 बटन होते हैं। ठीक, थ्रेड टाइपराइटर की, एक कीबोर्ड की मुख्य हिस्सा होता है, यह मुख्यतः टाइपिंग संबंधी कार्य करने के काम आता है। इन्हें की से हम किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमको कंप्यूटर में फॉन्ट बदलना होगा। फंक्शन की, टाइपराइटर की के सबसे ऊपरी भाग में एक लाइन में F1 से F12 तक संख्या तक रहता है। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते समय इनका प्रयोग उसी सॉफ्टवेयर में दी गई सूची के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। कर्सर कंट्रोल, इन की से कंप्यूटर के कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। इससे आप कर्सर को अप डाउन, लेफ्ट राइट आसानी से ले जाया सकता है। यह कीबोर्ड पर एरो के निशान से प्रदर्शित रहते हैं। कीबोर्ड पर एरो कीज के ठीक ऊपर कुछ कर्सर कंट्रोल कीज भी मौजूद रहती हैं। ये इस प्रकार है, पेज अप कीज, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट के पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है। पेज डाउन कीज, इसका उपयोग अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है। होम की, इस प्रयोग कर्सर लाइंस के स्तरों में लाने के लिए होता है। एंड की, यह कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। न्यूमेरिक की, कीबोर्ड की दाई ओर न्यूमेरिक की पेड होता है जिसमें कैलकुलेटर के समान कीज होते हैं। इनमें से कुछ कीज 2 काम करते हैं। न्यूमेरिक कीज के दोनों कार्यों को आपस में बदलने के लिए नम लॉक की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए संख्या 7 युक्त की होम की के रूप में केवल तभी काम करती है जब नम लॉक की ऑफ होती है। जब नम लॉक की ऑन होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 चिन्हित कीज न्यूमेरिक कीज के रूप में काम करती है। इनमें से किसी को भी दबाने पर स्क्रीन पर एक संख्या दिखाई देता है। क्रैक कैप्स लॉक की, सामान्यतः अक्षर लोअर केस में ही टाइप होता है। यदि आप एक बार कैप्स लॉक की को दबा दें तो टाइप किया गया जाने वाला अक्षर अपर केस में टाइप केस में टाइप होगा। इसे वापस लोअर केस में टाइप करने के लिए एक बार फिर कैप्स लॉक दबा दें। शिफ्ट की को सबको दबाकर यदि आप कोई अक्षर दबाएं तो वह अपर केस अक्षर में ही टाइप होगी। यदि कैप्स लॉक ऑन की स्थिति में हो तो यह किया उल्टा जाएगा। जब एक की पर 2 चिन्ह या कैरेक्टर बन रहे हों तथा शिफ्ट की दबाने से ऊपरी चिन्ह स्क्रीन पर दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस आल्ट कीज का प्रयोग अक्सर विशेष काम करने के लिए किया जाता है। अन्य की के साथ संयुक्त रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे कंट्रोल और सी को एक आप डॉस प्रॉम्प्ट पर लौट आते हैं। कंट्रोल आल्ट और डिलीट कीज को एक साथ क्रमवार दबाने से मशीन स्वयं ही दोबारा शुरू हो जाती है। फिर एंटर रिटर्न, एंटर की को रिटर्न की भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से 2 कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, यह पीसी को सूचना देता है कि आपने निर्देश देने का काम छोड़ दिया है, अतः वहां दिए गए निर्देशों को प्रोसेस या एक्जीक्यूट करें। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का उपयोग करते समय एंटर की दबाने पर नया पैराग्राफ
या पंक्ति शुरू हो जाती है। रैग टैब की यह कर्सर को एक पूर्व निर्धारित स्थान पर आगे ले जाने जाती है। इसके द्वारा आप पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं तथा कॉलम टेक्स्ट या संख्याओं को एक सीध में लिख सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयरों में यह मेनू में एक विकल्प के दूसरे विकल्प पर जाने में मदद करती है। डिलीट की कर्सर की दाई ओर लिखे कैरेक्टर या स्पेस को आप इसको दबाकर मिटा सकते हैं। बैक स्पेस की इसे दबाकर आप कर्सर को के बाई ओर लिखे अक्षर को मिटा सकते हैं। ऐसा करने पर कर्सर अंत में टाइप किए गए अक्षर को मिटाने हुए बाई ओर लौटता है मिटाते हुए। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम कर्सर को हैंडल करते हैं, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से महत्व बढ़ गया है। थर्ड ट्रैक बॉल यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बाल नीचे ना होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बाल का घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान पर में परिवर्तन किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। फिर जॉयस्टिक यह एक क्लाइंट पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रक वॉल की तरह ही कार्य करता है। इसका उपयोग वीडियो गेम सेमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। स्कैनर के द्वारा हम इमेज पर लिखे हुए डाटा को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। फिर है जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये भी एक कर्सर की पोजीशन को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। पंच कार्ड इसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। माइक्रोफोन या माइक इसके द्वारा हम साउंड को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। वेब कैमरा या वेब कैम यह वीडियो कैमरा होता है। OCR यह इनपुट उपकरण है। OCR जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों और चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करता है। OCR याद रखना इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इसे में स्क्रीन को छूकर निर्देश दिया जाता है और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करता है। इसका उपयोग बैंक के ATM में किया जाता है। लाइट पेन पेन के आकार में पॉइंटिंग डिवाइस जिसका उपयोग स्क्रीन पर लिखने या चित्र बनाने में किया जाता है। OMR इनपुट ड्राइव जो फार्म पेपर पर रिक्त स्थानों या बॉक्स पर लगे पेंसिल पेन के चिन्हों को पढ़कर कंप्यूटर में डाटा प्रवेश करता। आज कर हो रही है प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम इसी विधि से ज्ञात होते हैं आजकल हो रही। फिर बात करते हैं आउटपुट डिवाइसों के बारे में। जिस प्रकार इनपुट डिवाइस प्रयोगता से निर्देश लेने के लिए काम आते हैं उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड जानकारी को देखते हैं या ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से स्क्रीन फेंटर फिलाटर मॉनिटर स्पीकर कार्ड रीडर टैब रीडर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर इसके उदाहरण हैं। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसर किए गए परिणामों को प्राप्त करने के लिए युक्ति है। यह कंप्यूटर का उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है। चूंकि कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम बाइनरी अंकों में होते हैं अतः इन्हें आउटपुट इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के कार्य CPU में परिणाम प्राप्त करना प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना परिणाम के परिवर्तित संकेतकों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। मॉनिटर कंप्यूटर को हम जो भी निर्देश देते हैं या जिस प्रोसेस में जानकारी को हम ग्रहण करते हैं उसे हम मॉनिटर पर देखते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के मॉनिटर आजकल प्रचलन में CT मॉनिटर और यह मॉनिटर उस सिद्धांत पर कायम करता है जिस पर हमारे घर का पुराना वाला TV इसमें एक कैथोड रे ट्यूब होता है इसलिए इसे CRT मॉनिटर कहा जाता है। यह थोड़ा बड़ा होता है और इसकी स्क्रीन थोड़ी मोटी होती है। TT मॉनिटर ऐप यह एक सादा फ्लैट मॉनिटर होता है। यह वजन में कम होता है और जगह भी कम घेरता है। यह CRT मॉनिटर से अपेक्षाकृत महंगा होता है। मॉनिटर या वीडियो या सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है।
जो डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। प्रदर्शित रंग के आधार पर मॉनिटर दो प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, डिस्प्ले के आधार पर, तकनीक के आधार पर। तो मोनोफॉर्म डिस्प्ले के आधार पर कलर, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्प्ले। मोनोक्रोम मॉनिटर या ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। कलर मॉनिटर यह 16x32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। इसमें तीन मूल रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला, तथा इसके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। स्ट्रक्चर सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है, यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। फिर एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग लैपटॉप में होता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान दो आधारों पर किया जाता है, डॉट पिच। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट, यह स्क्रीन बड़े पिक्सल की गुणवत्ता तथा अंगुली सूचना प्राप्त होने वाले पिक्सल में बदलाव की दर को बताता है। यह कंप्यूटर में प्रयुक्त वीडियो कार्ड की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब है इनपुट आउटपुट में डिवाइस में अगला कौन है, प्रिंटर। इसकी सहायता से निर्गत सामग्री को हम कागज पर मुद्रित कर सकते हैं, अर्थात इसका हम प्रिंट ले सकते हैं। घरों में मुख्यतः तीन तरह के प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह हार्ड कॉपी, स्थायी प्रति प्रदान करने वाले आउटपुट डिवाइस है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, प्रिंट क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो प्रिंट क्षमता के अनुसार बात करते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, एक बार में एक प्रिंट। लाइन प्रिंटर, एक बार में पूरी लाइन प्रिंट। पेज प्रिंटर, एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करता है। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी होविल, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल, इंकजेट और लेजर। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इस प्रिंटर में रिबन का प्रयोग होता है। यह भी 80 कॉलम और 132 कॉलम दो तरह की क्षमताओं में आते हैं। इसमें पेंटिंग का खर्चा बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन पेंट की गुणवत्ता और स्पीड दोनों दूसरे प्रिंटर्स के मुकाबले कम होती है। इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रयोग प्रिंट की लिया जा सकता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। फिर डेसी व्हील प्रिंटर, यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर जो एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। इसे प्रिंट हेड की जगह डेजी हॉविल लगा रहता है जो गोल घूमकर आवश्यक प्रिंट करता है। इससे ग्राफ या रेखा चित्र नहीं उकेरे जा सकते। नॉन एम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें रिबन नहीं रहता है। विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन एम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती है। थर्मल प्रिंटर, यह NICP है, इसमें रसायन युक्त विशेष कागज प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इंकजेट प्रिंटर NICP है, जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंटर हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। यह इंकजेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें मोनो और कलर्ड दो तरह के प्रिंटर आते हैं जिसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बेहतर होती है, लेकिन इसमें पेंटिंग का खर्चा भी ज्यादा होता है।
लेजर ट्रेंटन। यह थर्मल तकनीक पर आधारित पर काम करता है। इसमें भी मोनो और कलर्ड दो तरह के प्रिंटर आते हैं। इसकी गुणवत्ता और स्पीड बाकी प्रिंटरों से बेहतर होती है। आजकल बाजार में ऑल इन वन प्रिंटर भी आते हैं, जिससे आप प्रिंटर के अलावा फोटो कॉपी मशीन, स्कैनर और फैक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, फोटो कंडक्टिव ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। प्लॉटर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसका द्वारा ग्राफिक्स ग्राफिक और डिजाइन की हार्ड कॉपी को प्राप्त किया जाता है। प्रोजेक्टर, एक आउटपुट उपकरण जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली सूचना को बड़ी स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस, याद रखना। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में, कंप्यूटर जनरल नॉलेज के बारे में। तो आपको बता दें, पिछले लेक्चरों में हम लोग बात कर चुके हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस तक। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं समझता। हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उसकी एक नियत भाषा होती है। इसे मशीन लैंग्वेज या मशीन की भाषा कहा जाता है। इस मशीन की भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं और जिनके द्वारा हमारे सारे काम कराए जाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर से कोई भी काम करा पाना असंभव है। इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश हैं जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं। अगर हार्डवेयर इंग्लिश है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन। ठीक, साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करते हैं। सॉफ्टवेयर तीन भागों में बांटा जा सकता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यूएसए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें विंडो, कंपाइलर, फॉर्मेटिंग, यूनिक्स, क्लीनअप, असेंबलर, लिनक्स, बैकअप प्रोग्राम, इंटरप्रेटर, एम डॉस, एंटीवायरस, यूटिलिटी सी आई ए, डिस्क और डिस्क DFDCB, वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग पैकेज, DTP, डिस्क टोपो टोपब्लिकसिंग, ग्रोपिका सॉफ्टवेयर, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, डिजाइन सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉच प्रोसेसिंग ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, लिनक्स टाइम शेयरिंग ओएस और रियल टाइम सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात करते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने लायक बनाना बनाए रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से ही हार्डवेयर अपना निर्धारित काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग हैं। प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। विंडो लिनक्स, कार्य की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों का महत्व उपयोग सुनिश्चित करना, पेरिफेरल डिवाइसेस का समन्वय एवं नियंत्रण करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात करें तो डॉस, विंडो, विंडोज यूनिक्स, मैसिंटास सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो भागों में बांटा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोग्राम को वह समूह है
जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, तथा हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के ओपी के कार्य बताएं तो कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना, हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना, मेमोरी और फाइल प्रबंध करना, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना। ओपी के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट डॉस, विंडो 95, 98, 2000, 2000, ME, XP, यूनिक्स, लिनक्स, XE, नेक्स्ट। फिर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्च प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग, इस सिस्टम का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सांख्यिकीय विश्लेषण, बिल प्रिंट करना, पेरोल बनाना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं इंटरैक्टिव मोड में कार्य करते हैं, जिसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणाम तुरंत दर्शाया जाता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधन के साथ के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे टाइम स्माइल या क्वांटम कहते हैं। फिर है रियल टाइम सिस्टम, इस सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। उपयोग इसका उपग्रह का संचालन, हवाई जहाज के नियंत्रण, परमाणु भट्टियों, वैज्ञानिकों अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण आदि के लिए। फिर मल्टी सिस्टम में प्रोग्रामों की वरीयता क्रम चयन कर भी इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। सिंगल ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ SOS की आवश्यकता, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा या संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंप्यूटर की मशीन भाषा को समझ सकता है, पर मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन कार्य है, अतः प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में लिखकर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से मशीन में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के विकास, असेंबलर, यह क्रियान्वयन से पहले असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर, यह उच्च स्तरीय भाषा की को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मैं सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इंटरप्रेटर, यह कंपाइलर की तरह ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, यह सोर्स प्रोग्राम के एक लाइन का मशीन भाषा में अनुवाद करता है तथा दूसरी लाइन का अनुवाद करने से पहले पिछली लाइन को प्रोसेस करता है। यदि इस लाइन में कोई गलती हो तो उसे उसी गलत समय इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही आगे बढ़ता है। हर बार प्रोग्राम को संपादन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, इसका मेमोरी से बना रहना आवश्यक है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, 1981 में माइक्रोसॉफ्ट IBM द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एकल ऑपरेटिंग सिस्टम SOS। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें प्रॉम्प्ट में चालू डिस्क का नाम स्लैश तथा खुले हुए डायरेक्टरी का नाम रहता है, जैसे C अनुपाति फादर सन, इसमें चित्र और ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, फिर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1990 में एमएस डॉस की कमियों को दूर करने के लिए सन 1990 में विंडोज 3.0 जारी किया। बाद में इसके कुछ अन्य रूप जैसे विंडोज 95,
XP एम ई विंडो वेस्ट्रा। इसकी विशेषताएं यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित हैं। इसमें चित्र ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। यह मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ओपी है। इसमें एक साथ कई कार्यक्रमों को चलाया ही और उस पर कार्य किया जा सकता है। यूनिक्स विंडो यह एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेशन सॉफ्टवेयर है। इसका विकास 1970 में बेल लेबोरेटरीज की एन थॉमसन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। माइक्रोसॉफ्ट विंडो यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किए गए के लिए बनाया गया मल्टी यूजर तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटर सिस्टम कहा जाता है। यह विंडोज की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है और इसमें नेटवर्क संचार तथा डाटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। लिनक्स यह पीसी के लिए बनाया गया मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका विकास नेटवर्क प्रयोग के लिए किया जाता है। यह वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। 2000 में कंप्यूटर निर्माण शीर्ष संस्थाएं IBM HP कम्पैक्स सन माइक्रोसिस्टम आदि ने इसके परिमार्जन व विकास हेतु जीनोम फाउंडेशन की स्थापना की। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे रोजमर्रा के कामों को कंप्यूटर में अधिक तेजी और सरलता से करने में मदद करते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लिखने के लिए, आंकड़े रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक आदि रखने के लिए लिखे गए प्रोग्राम ही एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम का समूह जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेषीकृत उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती है, जैसे रेलवे आरक्षण के लिए सॉफ्टवेयर, वायुयान नियंत्रण मौसम विश्लेषण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर। फिर जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटर उपयोग से दस्तावेजों, पत्र, रिपोर्ट, पुस्तक आदि का निर्माण, संशोधन, रूप और आकार में परिवर्तन, व्याकरण और स्पेलिंग चेक करना, प्रिंट आदि कार्य कर सकते हैं। स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर यह मुख्यतः सांख्यिकी डाटा को टेबल अथवा रो और कॉलम के रूप में वर्गीकृत और विश्लेषित करता है। इसमें चार्ट बनाने की सुविधा भी रहती है। इसका उपयोग मुख्यतः बैंकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लेजर बनाने में किया जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, उसमें संशोधन तथा उसका वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि में सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उदाहरण विंडोज, पावर पॉइंट, लिनक्स के प्रेजेंटर तथा स्टार इम्फेक्स। अकाउंटेड पैकेज इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन, व्यापारिक लेनदेन तथा सामान प्रबंधन को सरल बनाया जाता है। टैली भारत में बना एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसमें कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों का विकासन के कार्य में व्यवहार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रा, वेंटोरा। फिर ग्राफिक सॉफ्टवेयर इसमें कंप्यूटर द्वारा ग्राफ चित्र और रेखा चित्र आदि निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट किया जा सकता है। फिर CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने, उसमें संशोधन करने तथा निर्माण की प्रक्रिया को समझने के का कार्य किया जाता है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। डिस्क फॉर्मेटिंग इसके द्वारा नई मेमोरी डिस्क को उपयोग से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। फिर डिस्क क्लीनअप इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियाँ तथा अनावश्यक प्रोग्राम व डाटा हटाकर उसकी क्षमता वृद्धि की जाती है।
बैकअप प्रोग्राम कंप्यूटर में लगे मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट होने का डर बना रहता है। इससे बचने के लिए डाटा को कंप्यूटर से अलग किसी अलग मेमोरी डिस्क ऑफलाइन पर भी संग्रहित रखा जाता है। इसे बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। एंटीवायरस यूटिलिटी यह सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम या अनुदेश जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी उत्पन्न करता है, वायरस कहलाता है। इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर के वे सभी साधन आते हैं जिन्हें देखकर या छूकर अनुभव किया जा सकता है। अर्थात कंप्यूटर के भौतिक रूप से आकार लिए सभी भाग हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे फ्लॉपी ड्राइव, सीडी रोम, मॉनिटर, कीपैड, माउस आदि। कंप्यूटर मशीनों और कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः ये सभी चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर के अंततः आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के बारे में। ठीक है, हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में देख रहे हैं, उससे संबंधित जो तथ्य हैं उन्हें भी देख रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, इसमें बात करते हैं फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पहले एल्गोरिथम, यह किसी प्रोग्राम में के निर्माण में आवश्यक लॉजिक है। यह किसी समस्या के समाधान के लिए सीडी का निर्माण करता है। अतः एल्गोरिथम अनुदेशों का समूह है जिसे निर्धारित क्रम में संपादित किए जाने पर वांछित परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का चित्तीय रूपांतरण फ्लो चार्ट कहलाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के अनुदेशों के लिए अलग अलग चित्रों का प्रयोग किया जाता है तथा उसके अंदर संक्षिप्त अनुदेश देशों लिखे रहते हैं। फ्लो चार्ट एंड साइन ANC अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। टर्मिनल यह अंडाकार चिन्ह है जो प्रक्रिया के आरंभ और अंत या विराम के लिए उपयुक्त होता है। इनपुट आउटपुट यह समांतर चतुर्भुज का चिन्ह है जो इनपुट और आउटपुट फ्रंट आदि को दर्शाता है। प्रोसेसिंग आयताकार चिन्ह जिसमें प्रोसेसिंग के निर्देश या सूत्र होते हैं। डिसीजन यह तार्किक क्रिया होती है, इसमें तर्क या प्रश्न उसके परिणाम दिखाए जाते हैं। फ्लो फ्लो लाइन तीर के चिन्ह वाली रेखा है, फ्लो चार्ट के प्रवाह की दिशा बतलाती है। कनेक्टर फ्लो चार्ट अगर एक पृष्ठ से बड़ा हो तो उसे अगले पृष्ठ पर कनेक्टर की सहायता से जोड़ा जाता है। पिछले पृष्ठ के अंत में अंदर आती रेखा जबकि अगले पृष्ठ के आरंभ में बाहर जाती रेखा दिखाई जाती है। फर्क पी सीडो स्कोर यह किसी समस्या के समाधान के लिए प्रोग्राम लिखने का एक तरीका है। इसके चिन्हों का उपयोग ना कर प्रोग्राम और उसके तर्क को साधारण और संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। इसमें समय कम लगता है तथा चिन्हों का उपयोग ना होने से पूरा ध्यान प्रोग्राम पर रहता है। स्टार्ट इनपुट ए बी कंप्यूटर ए बी एफ ए बी डेल एस प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं और इसे जिस भाषा में लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। हाई लेवल फोर्टन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, फॉक्स, प्रो, C++, VG, जावा, HTML ये सभी भाषाएं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का समूह है जिस किसी खास कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। प्रोग्राम भाषा को मुख्यतः
तीन भागों में विभाजित किया जाता है, मशीन भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा यह बाइनरी 0 या 1 में लिखी जाती है, जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्राम को समझा और क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस भाषा में ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, पर इसमें प्रोग्राम लिखना कठिन और त्रुटियां अधिक होती हैं। ठीक, फिर असेंबली लैंग्वेज, इस निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। इस भाषा में अक्षर व अंकों से बना न्यूमोनिक कोड का उपयोग किया जाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। ADD जोड़ने के लिए, सब घटाने के लिए, LD डाटा को मेमोरी में लोड करने के लिए। फिर है हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा में थर्ड जनरेशन भी कहते हैं। यह बोलचाल व लेखन में उपयुक्त भाषा के काफी करीब है। इसमें प्रोग्राम लिखना और आसान और पढ़ना आसान है। इसके प्रयोग से पहले इस भाषा को कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। उच्च स्तरीय भाषा के कुछ अन्य उदाहरण, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, यह व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोग होती है। कोबोल भाषा में निर्देश, कमांड और वाक्य की संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर अंग्रेजी भाषा के समान है। इस भाषा को पेज रैप डिवीजन या सेक्शन में बांटा जाता है। इसे आंशिक कोबोल कंपाइलर के साथ किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। कोबोल का एक संस्करण विजुअल कोबोल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OPP भाषा है। फिर है दूसरी फोरटॉन भाषा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फर्स्ट HLL। यह फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। इसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने तथा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। इसका विकास 1957 में IBM के जॉन बेकस ने किया था। फिर है लोगो, अमेरिका के सिमोर पेपर्ट द्वारा विकसित इस भाषा का उपयोग कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। फिर है बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यह एक लोकप्रिय और सरल प्रोग्राम भाषा है, जिसका विकास 1964 में प्रोफेसर जॉन केमिनी और थॉमस कोल्टजर ने किया। यह पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। इसका उपयोग गणितीय और व्यवसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी सरलता के कारण इसका उपयोग प्रशिक्षुओं को भाषा कर अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नीव का पत्थर कहा जाता है। फिर पास्कल, इस भाषा का विकास 1971 में स्विट्जरलैंड की प्रोफेसर निकोलस विर्थ द्वारा किया गया। इसका नामकरण कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले विलेज पास्कल के नाम पर रखा गया। इस भाषा का उपयोग शिक्षुओं को में प्रोग्रामिंग की अवधारणा स्पष्ट करने में किया जाता है। इसे शिक्षा परक भाषा भी कहते हैं। फिर C और C++। इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंगम द्वारा किया गया। इसका विकास HLL हाई लेवल लैंग्वेज में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य किया गया। यह सामान्य कार्य के लिए उपयुक्त भाषा है। इसमें सोर्स प्रोग्राम छोटा और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसका कंपाउलर सभी प्रकार के कंप्यूटर में कार्य करता है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्राम ऐसा है, यह बोलचाल की अंग्रेजी भाषा के करीब है। फिर है जावा, इसे हाई लेवल लैंग्वेज का विकास सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया। यह C++ की तरह ऑब्जेक्टिव ओरिएंटल प्रोग्राम भाषा है, पर उसकी अपेक्षा छोटी और सरल है।
इसके विकास मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पाद जैसे टीवी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। एनिमेशन पर आधारित वेब पेज, शैक्षिक कार्यक्रम तथा खेल आदि के विकास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इस हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग बीज गणितीय गणना में किया जाता है। याद रखिए कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज मध्य स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त होता है। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक इसका विकास 1973 में फ्रांस में किया गया। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की विधानता की जाती है। इसे कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग के लिए किया जाता है। फिर सी शार्प यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया। फिर RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन यह सामान्य व्यवसायिक कार्यों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई भाषा है। यह एक सरल भाषा है जिसका उपयोग छोटे व्यवसाय कंप्यूटर पर किया जाता है। फिर LISP लिस्ट प्रोसेसिंग इसका विकास 1959 में जॉन मेकार्थी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के उपयोग में किया जाता है। फिर HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस भाषा का उपयोग वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। नोट सभी उच्च स्तरीय भाषाएं HLL में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A से Z तथा इंडो अरबिक अंकों 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी सभी कंप्यूटर भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग मेमोरी के बारे में आगे। ठीक है, चलिए तो हमने कंप्यूटर भाषाएं देख ली, अब करते हैं मेमोरी की बात। मेमोरी कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग डाटा प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी मेमोरी के प्रकार, ठीक है, प्राइमरी और मेन मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी और या ऑक्सिलरी मेमोरी, स्थाई नॉन वोलेटाइल, फिर केस, फिर वोलेटाइल अस्थाई। तो हम लोग बात करते हैं स्थाई में, फ्लॉपी डिस्क, रोम, डिस्क पी रोम, मैग्नेटिक टेप ईपी रोम, रोम फिर ईईपी रोम, डीवीडी ड्राइव आदि। ठीक है, और रैम में अस्थाई में डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, हार्डवेयर CD, पेन ड्राइव, ये अन्य है। ठीक, बात करते हैं हम लोग प्राइमरी और मेन मेमोरी के बारे में। यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। यह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से CPU से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। इससे अस्थायी निर्देशों और तत्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। इसमें यह अस्थायी मेमोरी है, इसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बंटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट जिसे वर्थ लेंथ कहते हैं स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में वर्थ लेंथ 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी IC इंटरग्रेटेड सर्किट का प्रयोग जो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। इसके विकास का श्रेय जे एस केल्वी को जाता है। सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। फिर रोम रीड ओनली मेमोरी यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। ठीक है, रोम सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दिए जाते हैं।
तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती हैं। रोम का उपयोग स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा के संग्रह के लिए किया जाता है। फिर पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जाता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। फिर है ई प्रोम, रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम पर परावैगनी किरणें की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा कर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसके लिए ई प्रोम को सर्किट से निकाला जाता है निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहते हैं। तरह ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना इस उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। पेन ड्राइव इसका अच्छा उदाहरण है। फिर अस्थाई मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में सूचनाओं को क्रम अनुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है, यह एक अस्थाई मेमोरी है। आजकल बाजार में 16 MB, मेगाबाइट, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 512 MB, 1 GB क्षमता की रैम उपलब्ध है। इन रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिम में लगाया जाता है। रैम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, डायनेमिक रैम और स्टेटिक रैम। इस कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा सुरक्षित रहता है। इसमें कैच मेमोरी, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डाटा करने की गति से काफ़ी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध को दूर करने के लिए कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है जहां बार बार उपयोग में आने वाला डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैच मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। प्राथमिक मेमोरी, केस मेमोरी और सीपीयू इस तरह जुड़े रहते हैं। फिर द्वितीयक या सहायक मेमोरी, सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने का उपयोग किया जाता है। यह डाटा यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है। इसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर है मैग्नेटिक टैप। यह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसे एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है जिसे विद्युत हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु उपयुक्त होता है। डाटा को किसी भी बार कितनी भी बार लिखा और मिटाया जा या पढ़ा जा सकता है। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है। ठीक है, यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु उपयुक्त होती है। डाटा को कितनी भी बार, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी DAM देखते हैं। इसमें वांछित सूचना या डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है। इस कारण डाटा को पढ़ने में समय कम लगता है। फिर है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की लंबाई 3 × 1/2 इंच होती है। उच्च क्षमता हाई डेंसिटी वाली फ्लॉपी भंडार की क्षमता 1.44 MB होती है, जबकि अति उच्च क्षमता वेरी हाई डेंसिटी वाली फ्लॉपी की क्षमता 2.88 होती है। कंप्यूटर में इसे पढ़ने लिखने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ये ड्राइव नाम दिया जाता है। फिर हार्ड डिस्क या कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है जो एल्यूमिनियम धातु के फ्लैट से बना होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। वर्तमान में कंप्यूटर में उपयुक्त हार्ड डिस्क मुख्यतः
विनचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव नाम दिया जाता है। इसमें आवश्यक प्रोग्राम और डाटा स्टोर किया जाता है। फ्लैश सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह एक प्रकार का बना गोल डिस्क होता है। एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। इसमें डिस्क के ऊपर ऊपरी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ का लेप लगाया जाता है। सीडी रोम ड्राइव की गति एक संख्या एक्स से निरूपित किया जाता है, जैसे 8x, 56x आदि। सामान्य डिस्क सीडी रोम की भंडारण क्षमता 640 MB होती है। इसमें डाटा 30 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, CDR। इसे बॉर्म राइट वंस रीड ऑन मैनी डिस्क कहा जाता है, जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिख जाने के बाद डाटा बदला नहीं जा सकता, CDRW। इस तरह के डिस्क पर धातु की परत होती है। इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इस पर बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। फिर DVD या CD-ROM की तरह ही होती है, पर इसमें की भंडारण क्षमता अधिक होती है। आरंभ में इसका उपयोग चलचित्रों के लिए किया जाता है। ध्वनि के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम उपयोग किया जाता है। इसमें डाटा के द्वारा लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एकल लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा दो लेयर डिस्क की क्षमता 8.5 GB होती है। अब बात करते हैं पेन ड्राइव, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव यह पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जिसे लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह USB पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित या परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। वास्तव में यह EEPROM का एक रूप है। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम रोम तथा फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप आयरन ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड मेमोरी के उदाहरण है। CD और DVD ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार है, जिसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक। नंबर सिस्टम चलिए अब बात करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति मनुष्य गणना के लिए दशमलव आधारित संख्या पद्धति का प्रयोग करता है, जिसमें 0 से 9 तक कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी अंक इन्हें इन्हीं अंकों से मिलकर बनते हैं, परंतु कंप्यूटर दशमलव आधारित संख्या पद्धति का प्रयोग नहीं करता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति VOH बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल होती है। द्वि आधारी संख्या पद्धति ऑक्टल संख्या पद्धति और हेक्सा डेसिमल संख्या पद्धति। तो बात करते हैं सबसे पहले द्वि आधारी संख्या पद्धति क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत धारा का पर कार्य करता है। यह केवल दो ही परिस्थितियों को जान सकता है, पहला जब परिपथ में धारा प्रभावित हो रही है, अर्थात परिपथ का स्विच ऑन है, तो इसे संकेत एक कहा जाता है। दूसरी स्थिति में परिपथ में धारा प्रभावित नहीं हो रही है, अर्थात परिपथ का स्विच ऑफ है, तो इसे 0 कहा जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति में इन दो अंकों 0 और 1 का बाइनरी डिजिट या संक्षिप्त में बिट कहते हैं। संख्या पद्धति में किसी भी संख्या का मान उसके स्थानीय मान पर निर्भर करता है, ठीक। ऑक्टल संख्या पद्धति इसमें आधार 8 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कुल 8 संख्याओं का उपयोग किया जाता है। फिर हेक्सा डेसिमल संख्या पद्धति इसमें बात करते हैं, इसमें 16 मूल अंकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 अंक तक
तथा ए बी सी डी ई एफ अक्षर होते हैं। इसमें बाइनरी अंकों का परिवर्तन चार बाइनरी समूह में किया जाता है। इससे डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है। ये हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेकर इसे पढ़ लें अच्छे से, ठीक है, अगर जरूरत है तो। अब हम बात करते हैं बाइनरी। बाइनरी मेमोरी बिट या कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग है। यह बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। इसे जीरो या वन, ऑन या ऑफ में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। किसी भी बिट का मान 0 या 1 से हो सकता है। इस तरह एक बाउट से 2 की पावर 8 बराबर 256 कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। निबल, 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है। यह आधे बाइट के बराबर होता है। 4 बिट के समूह को एक निबल कहते हैं, ठीक है, और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। बाइट की बात करें तो 8 बिट या 2 निबल के समूह को एक बाइट कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट अर्थात 1 बाउट की जरूरत पड़ती है। एक खाली स्थान भी 1 बाइट जगह घेरता है। 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है। शब्द की लंबाई वर्ड लेंथ, कंप्यूटर शब्द की लंबाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भिन्न हो सकता है, जबकि किसी एक कंप्यूटर के लिए निश्चित होती है। कंप्यूटर शब्द की लंबाई कंप्यूटर के हार्डवेयर पर निर्भर करती है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों में शब्द की लंबाई 1 बाइट से 64 बाइट तक हो सकती है। कंप्यूटर मेमोरी की माप की बात करते हैं। 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 2 निबल, ठीक है। 1 किलो बाइट बराबर 2 की पावर 10 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1024 वाइट, मेगा। एक मेगाबाइट बराबर 2 की पावर किलोबाइट, 1024 किलोबाइट। 1 KB बराबर 1 MB, 1024 × 1024 वाइट बराबर 10,48,576 होता है। 1 GB बराबर 2 की पावर 20 MB, 1 MB बराबर 1 GB बराबर 10 की पावर 10 × 1024 किलोबाइट, 1,48,576 किलोबाइट 2 की पावर 30 वाइट। फिर 107, 37, 41, 424 बाइट, 1,024 GB 1 TB बराबर। फिर 1 GB बराबर 1 TB बराबर 2 की पावर 40 वाइट, 1,040 वाइट बराबर 1 KB और 1,024 KB बराबर 1 MB, 1,024 MB बराबर 1 GB, 1,024 GB बराबर 1 TB, ठीक है। यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट बात करते हैं। 1 बिट बाइनरी डिजिट, 8 बाइट 1 बिट, 1,024 बाइट 1 KB किलोबाइट, 1,024 KB बराबर 1 MB मेगाबाइट। फिर ये दिए गए हैं, आप देख लें, ठीक है। 1,024 MB बराबर 1 GB गीगाबाइट, 1,024 GB बराबर 1 TB टेराबाइट, 1,024 बराबर टीबी बराबर 1 PB पेटाबाइट, 1,024 PB बराबर 1 EB एग्जाबाइट, 1,024 EB बराबर 1 GB ZB जेट्राबिट, 1,024 GB ZB बराबर 1 BB और 1,024 BB बराबर 1 ब्रांटोबाइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर कोड के बारे में। कंप्यूटर में डाटा अक्षरों
विशिष्ट चिन्हों तथा अंकों में हो सकता है। इन्हें अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। डाटा प्रतीक अक्षर चिन्ह या अंक को एक विशेष कोड द्वारा व्यक्त किया जाता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी, इसमें संपूर्ण डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने की बजाय डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके चार अंकीय बाइनरी तुल्यांक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसे चार बिट बीसीडी को कोड कहा जाता है। बाइनरी में चार बिट से केवल 2 की पावर 4 बराबर 16 चिन्ह बनाए जा सकते हैं। इसलिए जॉन के लिए 2 अतिरिक्त बिट जोड़कर 6 चिन्ह बनाए जा सकते हैं, जो 26 अक्षरों 10 संख्याओं और 24 विशेष चिन्हों के लिए उपयुक्त होते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड बीसीडी में जॉन के लिए 4 बिट का व्यवहार कर इसे 8 बिट कोड बनाया गया। इसे EBCDIC कहा गया। इसमें 8 बिट के इस्तेमाल के कारण कुल 2 की पावर 8 बराबर 56 कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। इसमें 3 निरूपण के लिए हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। फिर ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है जिसका प्रारंभ ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा 1963 में किया गया। इसमें 1 कैरेक्टर के लिए 8 बिट और 3 निरूपण के लिए हेक्सा डेसिमल संख्या पद्धति का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रयुक्त प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक विशेष ASCII कोड निर्धारित किया गया है। यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड, कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग से एक सार्वत्रिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग कोड निर्धारित हो जा हो ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक प्रोग्राम तथा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा सके। इसके लिए यूनिकोड, यूनिकोड की व्यवस्था की गई, जिसमें 1 लाख कैरेक्टर के निरूपण की क्षमता है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट में निरूपित किया जाता है। यूनिकोड कोड में 3 प्रकार की व्यवस्था उपयोग में लाई जाती है। UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट इट UTF-16 UTF-32 फिर है बुलियन अलजेब्रा। बाइनरी संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले गणित जिसमें केवल 2 चर 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है बुलियन अलजेब्रा कहलाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में प्रयुक्त लॉजिक सर्किट को सरल बनाने के लिए किया जाता है। बुलियन अलजेब्रा का आविष्कार ब्रिटेन के गणितज्ञ जॉर्ज बूले ने किया था। फिर लॉजिक गेट, यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक या अधिक इनपुट लेकर मानक आउटपुट देता है। कंप्यूटर में सभी परिपथ का निर्माण लॉजिक गेट से किया जाता है। गेट और क्रिया और आउटपुट और जोड़, कोई भी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 1 होता है। आउटपुट 0 तभी होगा जब इनपुट 0 हो। एंड इनटू गुणा, सभी इनपुट 1 होने पर भी आउटपुट 1 होता है। फिर नोट, विपरीत, इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 या इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 होगा। नैंड, एंड प्लस नोट, सभी इनपुट 1 होने पर ओपी 0 होता है। किसी भी आईपी के 0 होने पर ओपी 1 हो। नॉर, और प्लस नोट, कोई भी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 होता है। सभी इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 होता है। नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के कंप्यूटर परिपथ के निर्माण में सक्षम है। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के बारे में। इसी कड़ी में बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क व टोपोलॉजी के प्रकारों के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क को हम दूरी के आधार पर मुख्य 3 प्रकारों में बांटते हैं। लैन, उसके बाद आता है मैन और वैन।
तो सबसे पहले बात करते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कम दूरी में फैला हुआ होता है, जैसे किसी घर में रख दो कंप्यूटर के बीच का नेटवर्क, किसी ऑफिस के कुछ कंप्यूटर का नेटवर्क, या किसी बिल्डिंग में फैला हुआ नेटवर्क। इसकी दूरी 0 से 10 किलोमीटर तक माना जा सकता है, ठीक, याद रखना। लेकिन यह फिक्स नहीं है, कुछ कम या अधिक हो सकता है। एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यह एक ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ किलोमीटर क्षेत्र तक ही फैला रहता है। ईथरनेट एक लोकप्रिय लैन है, याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा को एक्सी एक्स सिग्नल सिंगल केबल का उपयोग किया जाता है। फिर आता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो दो या दो से अधिक शहरों के लिए के बीच फैला हुआ हो सकता है। यह लैन से बड़ा होता है, इसकी दूरी 1 से 100 किलोमीटर तक मानी जाती थी। लैन की कितनी? 0 से 10 किलोमीटर के लगभग, और इसकी 1 से 100 किलोमीटर तक। लेकिन यदि हम प्रायोगिक तौर पर देखें तो मैन का प्रयोग नहीं होता है, केवल लैन और बैन का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन लैन को बड़ा करने पर वह बैन बन जाता है। यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। फ्रैबैन वाइड एरिया नेटवर्क। बैन नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच फैला हुआ हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंटरनेट है। इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कई देश या महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है। इसमें कंप्यूटर को टेलीफोन, प्रकाशीय तंतु या कृत्रिम संचार उपग्रह से जोड़ा जाता है। इस लो हॉल नेटवर्क, लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है इसको। इंटरनेट भी बैन का एक उदाहरण है। कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेस द्वारा विकसित इंडो नेट भारत में बैन का उदाहरण है। अर्पानेट और एक बैन है। ये ईरनेट स्विफ्ट बैंकों को जोड़ने वाला बैन, ये भी बैन। फिर बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था या स्वरूप है कि हम कंप्यूटरों को नेट में किस प्रकार जोड़ें, या एक नेटवर्क में उपस्थित सभी कंप्यूटरों को किस आधार पर लिंक करें। इसे लॉजिकली और फिजिकली दोनों रूप में दर्शाया जा सकता है। फिजिकल टोपोलॉजी में, हम यह देखा जाता है कि डिवाइस या कंप्यूटर किस प्रकार से रखे जाएंगे और उनके मध्य केबल किस प्रकार लगाए जाएंगे। और लॉजिकल टोपोलॉजी में यह देखा जाता है कि फिजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत डिवाइस के मध्य डाटा किस प्रकार प्रवाहित होगा। उदाहरण के लिए हम एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। इसमें कई कंप्यूटर कुछ तारों द्वारा या कुछ उपकरणों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक आकृति का निर्माण करते हैं। इसे ही फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक। तथा ऐसे व्यवस्था के द्वारा किसी प्रकार डाटा का आदान प्रदान होता है होगा, इसे लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी कई प्रकार की हो सकती है, या इसे कह सकते हैं कि हम नेटवर्क में कंप्यूटर को कई प्रकार से जोड़ सकते हैं, जैसे बस, रिंग, स्टार आदि। बस फर्स्ट टोपोलॉजी में एक मुख्य केबल होती है और सभी डिवाइस को उसी के द्वारा, सब केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। यह टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में सस्ती होती है, क्योंकि इसमें केबल का खर्चा और जोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
इसमें डाटा की स्पीड कम होती है क्योंकि इसमें डाटा को किसी कंप्यूटर पर सीधे नहीं भेजा जा सकता। डाटा सभी कंप्यूटर में एड्रेस चेक करता हुआ आगे बढ़ेगा और इसमें अगर मुख्य केबल में खराबी या अवरोध होने पर सारा नेटवर्क खराब हो जाएगा। इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है के जरिए सारे नोड जुड़े रहते हैं। किसी स्टेशन द्वारा संचालित डाटा सभी नोड द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। डाटा को पैकेट में भेजा जा जाता है जिसमें विशेष एड्रेस रहता है। कंप्यूटर नोड इस एड्रेस को पढ़कर अपने लिए बने डाटा को ग्रहण करते हैं। लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। इसके लाभ क्या है और हानि क्या है? इसमें लाभ की बात करें तो इसमें हम केबल की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कम केबल की आवश्यकता पड़ती है, इसमें खर्च कम पड़ता है। किसी एक कंप्यूटर में त्रुटि होने पर दूर नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, नया नोड जोड़ना आसान है। हानि तो ट्रांसमिशन लाइन में त्रुटि होने पर सारा नेटवर्क प्रभावित होता है। इसमें एक बार में केवल एक ही नोड डाटा संचारित कर सकता है। प्रत्येक नोड का विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर स्टार स्टार इस टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या हब या स्विच के द्वारा सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। ये सारा कंप्यूटर हब से सीधे जुड़े होते हैं और एक स्टार की आकृति बनाते हैं। इसलिए इस टोपोलॉजी में और अधिक कंप्यूटर आसानी से जुड़े जा सकते हैं तथा रखरखाव पर भी कम खर्च होता है। इसकी समस्या यह है कि इसमें सर्वर साहब के खराब होने पर पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। इसमें किसी नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। अन्य कंप्यूटर या नोड आपस में केंद्रीय हब द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क ना करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें एन नोड को आपस में जोड़ने के लिए एन माइनस वन संचार लाइनों की जरूरत पड़ती है। लाभ इसके और हानि बात करें तो लाभ की बात करें तो किसी एक नोड जीरो या केबल में त्रुटि से नेटवर्क का शेष हिस्सा अप्रभावित होता रहता है। नया नोड जोड़ने पर नेटवर्क पर प्रभाव नहीं पड़ता। हानि की बात करें तो सेंट्रल हब में त्रुटि आने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित रहता है। अब बात करते हैं रिंग। इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स या कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक चक या रिंग का निर्माण करते हैं। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर का एक सर्वर का नाम करता है, सर्वर का काम करता है, डाटा को आगे भेजता है। इसमें भी डाटा की स्पीड कम होती है क्योंकि डाटा प्रत्येक कंप्यूटर से होकर आगे जाता है। इसकी मुख्य समस्या है कि इसमें एक भी नोड के फेल होने पर पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। थ्रेड मैश। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नोड नेटवर्क में उपस्थित प्रत्येक कंप्यूटर नोड से सीधे जुड़ा रहता है जिससे डाटा स्पीड काफी तेज होती है। थ्रेड ट्री। इस टोपोलॉजी में बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी को एक साथ प्रयोग में लाया जाता है ताकि यदि मुख्य केबल खराब हो जाए तो स्टार टोपोलॉजी द्वारा जुड़े कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य कर सकें। फिर है हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी दो अधिक अलग अलग टोपोलॉजी का मिश्रण है ताकि इनमें कोई भी एक टोपोलॉजी प्रभावी रूप से ना हो। ये अलग अलग टोपोलॉजी कोई भी हो सकती है जैसे रिंग स्टार बस आदि। यदि एक रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क किसी दूसरे रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क से जुड़ेगा तो इसे रिंग टोपोलॉजी ही कहेंगे, हाइब्रिड नहीं। यदि एक रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क किसी दूसरे स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क से जुड़ता है तो इसे हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाएगा। चलिए तो आगे हम बात करेंगे फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन टेस्ट फाइल के बारे में। .doc ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है। .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट है। .log ये लॉग फाइल। .msg आउटलुक मेल मैसेज है। .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। .pages पेजेज डॉक्यूमेंट है।
.rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल है, .tex यह लेटेस्ट सोर्स डॉक्यूमेंट, .txt प्लेन टेक्स्ट फाइल है, .wpd ये वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट है, .wps माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्क्स वर्ड प्रोसेसर है, बात करते हैं डॉक्यूमेंट फाइल आइडियो फाइल, .aif आइडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, .iff इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, .m3u यह मीडिया प्ले लिस्ट फाइल, .m4a mpeg 4 ऑडियो फाइल है, .mid ये मिडी फाइल है, .mp3 mp3 ऑडियो फाइल है, .mpa mpeg 2 ऑडियो फाइल है, .ra रियल ऑडियो फाइल है, .wav वेब ऑडियो फाइल है, .wma विंडो मीडिया ऑडियो फाइल है। अब बात करते हैं वीडियो फाइलों की, तो 3G2 .3G2 3G2 3GPP2 मल्टीमीडिया फाइल है, 3GP 3GPP मल्टीमीडिया फाइल है, .asf तो एडवांस सिस्टम फॉर्मेट फाइल है, .ax ASX माइक्रोसॉफ्ट ASF रेडी रेक्टर फाइल है, .abi ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल है, .flv फ्लैश वीडियो फाइल है, .m4v आईटून्स वीडियो फाइल है, .mov एप्पल क्विक टाइम मूवी है, .mp4 mpeg4 वीडियो फाइल है, .mpg mpeg ऑडियो फाइल है, .rm रियल मीडिया फाइल है, .srt सब रिफ सब टाइटल फाइल है, .swf ये स्वीप वेब फ्लैश मूवी है, .vov डीवीडी वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल है, .wmv विंडो मीडिया वीडियो फाइल है। इमेज फाइलों की बात करते हैं, v.bmp तो बिटमैप इमेज फाइल है, .gif तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल है, .jpg jpg तो jpeg इमेज फाइल है, .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है, .psd तो एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, .tm ये थंबनेल इमेज फाइल है, .ms सॉरी m.s तो ये ऑफिस है, .xlr वर्क स्प्रेड शीट है, .xls एक्सेल स्प्रेड शीट है, .xlsx माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन एच XML है स्प्रेड शीट, .accdv तो एक्सेस 2007 डाटाबेस फाइल है, .db डाटाबेस फाइल है, .dbf डाटाबेस फाइल है, .mdb माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस है, .doc MS वर्ड है। डेवलपर फाइलों की बात करते हैं, .c सी अपॉन सी प्लस प्लस सोर्स कोड फाइल है, डॉट क्लास जावा क्लास फाइल है, डॉट सीपीपी ये सी प्लस प्लस सोर्स कोड फाइल है, डॉट सीएस विजुअल सी है सोर्स कोड फाइल है, डॉट डीटीडी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन फाइल है। अब वेब फाइल की बात करते हैं, तो .asp एक्टिव सर्वर पेज है, .asp.px एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड फाइल है, .cer इंटरनेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है, .cfm कोल्ड फ्यूजन मार्कअप फाइल है, .csr
सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट फाइल है .css कास्केडिंग स्टाइल शीट है .htm हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल है .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल है .js जावास्क्रिप्ट फाइल .jsp जावा सर्वर पेजेज .php पीएचपी सोर्स कोड फाइल है .rss रिच साइट समरी है .html एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप है। लैंग्वेज फाइल की बात करते हैं .dos कमांड chdir डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑफ और चेंजेस द करेंट डायरेक्टरी chkdsk चेक्स ए डिस्क एंड डिस्प्ले ए स्टेटस रिपोर्ट cls क्लियर्स द स्क्रीन कॉम कंपेयर टू ग्रुप ऑफ फाइल टू फाइंड इंफॉर्मेशन द डज नॉट मैच कॉपी कॉपी एंड अपेंड्स फाइल डेट डिस्प्ले एंड और सीट द सिस्टम डेट डेफ रेज ऑप्टिमाइज डिस्क परफॉर्मेंस बाय रिकॉग्नाइज डेल डिलीट फाइल फ्रॉम डिस्क। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते रहें। ठीक है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, यहां से बता देते हैं आपको। पैरा कंट्रोल कॉपी डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन एंड फायर, ठीक है, शॉर्ट जो की है इन्हें दिखा देते हैं। कंट्रोल प्लस जीरो टॉगल टॉगल्स सिक्स पीटीएस ऑफ स्कैंज बिफोर। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड हाइलाइट्स सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस सी कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस डी ओपन द फॉन्ट विंडो। कंट्रोल प्लस ई इलाइजन द लाइन और सिलेक्टेड द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। चलिए तो ये देख लेना आप लोग शॉर्ट की भी, ठीक है। ये भी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जरूरत हो तो, ठीक, इन सबको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे हम इस पीडीएफ। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्मों के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द जिनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ACPI एडवांस कॉन्फिगरेशन एंड पावर इंटरफेस। AC अल्टरनेटिंग करंट। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेज। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेज। AMI अमेरिकन मैग्नेट्रेंड्स इंक। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। APIC एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। APM एडवांस पावर मैनेजमेंट। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है, तो ये आप लोगों को देख लेना है। देखिए टेलीग्राम पर डाल देंगे या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपको सुविधाजनक लगे। ये BBS बुलेटिन बोर्ड सिस्टम हो गया, ठीक। BIOS बेसिक इनपुट बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रस्सी से कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। CR कैरिज रिटर्न, रस्सी से CUI कंपोजिट यूजर इंटरफेस, CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कंप्यूटर कॉमन और इंटर मैक मशीन पार्टिकुलरली कूलरली यूज फॉर द ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। CTS क्लियर टू सेंड थ्रेड डीप है। DVI डिजिटल विजुअल विजुअल इंटरफेस। SIDD डबल डेंसिटी। DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। फिर है ई AC एरर चेक। ADU एक्सटेंडेड डाटा आउट रैम। इसके स्क्रीन शॉट लेकर या रोक कर वीडियो पढ़ते रहना आप लोग, ठीक। EEP फिरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह EMI इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेस फ्रेंड्स, ठीक। FK FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FAT फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। FF4 फॉर्म फीड। FSK फ्रेक्वेंसी सेफ्टी किंग। फिर जी का GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर एच का HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह जो आई का है MIO इनपुट आउटपुट, ठीक है। MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये देख लेना सब, ठीक है। जे का है AL N, भी ले सकते हो। सबसे अच्छा अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन किए हुए हो तो उसे देख लें, वहां से स्क्रीनशॉट डाउनलोड ही कर सकते हैं वहां से फाइल। PC पर्सनल कंप्यूटर प्रोग्राम्स काउंटर। PM प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। PMOS पॉजिटिवली डॉक्ट मेटल ऑक्साइड, इसमें जैसे S से हो गया M सिक्वेंटियल एक्सेस मेमोरी। SIMD सिंगल इंट्रक्शन मल्टीपल डाटा। वैसे हो गया क्योंकि OM क्वांट्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी तरह एस के हो गए। टी में हो गया TCM ट्रेलाइलिस कोड मॉड्यूलेशन। TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। यू का हो गया ये UAE UART, इसी तरह USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिक्स बी का होगा वायरस बेटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक है। पेन का होगा बाइडेरिया नेटवर्क। WWW वाइड वेब। एक्स का हो गया XGA। जेड हो गया जीरो इंसरेशन फोर्स, ठीक है। तो ये थी फुल फॉर्म हमारी कंप्यूटर से संबंधित। PDF उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक। चलिए दोस्तों,
तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। ईमेल भेजना पैकेज में भेजने के समान है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को न्यूमेरिक कीज कहते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः दो भागों में विभक्त है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। एक डायरेक्टरी के अंदर जो एक डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। कंप्यूटर में एक में एयर होता है जिसे बग कहते हैं। कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मॉनिटर कंप्यूटर पर किया गया कार्य दर्शाता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे डाटा कहते हैं। यूजर डॉक्यूमेंट में जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर करने व गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। विश्व भर में कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। विंडोज में बाय डिफॉल्ट जब डाटा डिलीट हो जाता है तो उसे रिसाइकल में भेजा जाता है। ब्लैकिंग फाइट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कर्सर कहते हैं। विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सिर्फ 5 MB डाटा स्टोर किया जा सकता था। पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बनाया गया था। कंप्यूटर मॉनिटर का सर्वप्रथम प्रयोग 1980 में हुआ। कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन में दिखाई देने वाला सभी रंग केवल 3 रंगों लाल हरा नीला के मेल से बने हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में किया गया, याद रखना है आपको। हार्ड डिस्क के बाहर के डाटा के आदान प्रदान हेतु आज हम सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं, किंतु इन डिवाइसों के आविष्कार के पूर्व इस कार्य के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता था। संसार का पहला फ्लॉपी डिस्क सन 1970 में बना, जिसकी स्टोरेज क्षमता सिर्फ 75.79 KB थी। अब तक लगभग 12 अरब डिवाइसों में इंटरनेट उपयोग किया जा चुका है। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। अगला 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का ब्लू जीन है, जो 478.2 मिलियन गणनाएं प्रति सेकंड करता है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का एक है, जिसका विकास टाटा समूह की CRL पुणे द्वारा किया गया। यह विश्व का चौथा तेज सुपर कंप्यूटर है। परम अबेकस अबेकस गणना करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला अति प्राचीन यंत्र, जिसको अंकों को जुड़ा व घटाया दोनों जाता था। इसमें फ्रे एक्सेसरी यह प्रोसेसिंग के लिए एक आवश्यक संसाधन होता है, जिन्हें सहायक यंत्र भी कहा जाता है, जैसे वेब कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, पेन ड्राइव। फ्रे एक्सेस कंट्रोल सूचना और साधनों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त की गई विधि। इसके द्वारा अनाधिकृत यूजर को सूचनाओं और निर्देशनों को पहुंचाने से रोकता है। एक्सेस टाइम यह यूजर द्वारा मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश और डाटा प्राप्त होने तक के बीच का समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। फिर एक्यूमुलेटर एक प्रकार का रजिस्टर जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। एक्टिव डिवाइस वह उपकरण जिसमें कोई कार्य विद्युत प्रवाह द्वारा संपादित किया जाता है। एक्टिव सेल MS एक्टिव सेल MS एक्सेल में प्रयोग होने वाला वह खाना जिसमें यूजर डाटा लिखता है। एक्टिव विंडो कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है। अडेप्टर दो या दो से अधिक उपकरणों या साधनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए उपयुक्त की जाने वाली युक्ति। एडर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। अगला एड्रेस वह पहचान चिन्ह जिसके द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाते हैं। एल्गोरिथम कंप्यूटर को दिया जाने वाला अनुदेशों का वह क्रम
जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है। एलिजमेंट एलिजमेंट डाटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। अल्फा न्यूमेरिक ए से जेड तक के अक्षरों और जीरो से नौ अंकों के समूह को एल अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। एनालॉग भौतिक राशि की वह मात्रा जो लगातार तरंगीय रूप में परिवर्तित होती है। एनालॉग कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में डाटा भौतिकीय रूप से प्रयुक्त किया जाता है। एंटीवायरस कंप्यूटर का दोषपूर्ण प्रोग्राम से होने वाली क्षति को बचाने वाला प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए या एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव की तरह सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। ACASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वह एक कोड जिसके द्वारा अक्षरों तथा संख्याओं को 8 बिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। थ्रेड असेंबलर वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। फिर असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा जिसमें अक्षरों और अंकों को छोटे छोटे कोड में लिखा जाता है। एसिंक्रोनस डाटा भेजने की एक पद्धति है जिसमें डाटा को नियमित अंतराल में अपनी सुविधा अनुसार भेजा जाता है। फिर ऑथेंटिकेशन वह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर की वैधता की पहचान की जाती है। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जो रेखा चित्र और ग्राफ स्वतः तैयार करता है। ऑडियो विजुअल ऐसी सूचना और निर्देश जिन्हें हम देख सुन सकते हैं पर प्रिंट नहीं निकाल सकते। ऑटोमोशन किसी डाटा या सूचना का स्वतः ही प्रोसेस। बेसिक यह एक उच्च स्तरीय अत्यंत उपयोगी व सरल भाषा है जिसका उपयोग सभी कंप्यूटरों में होता है। बाइनरी गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति है। बिट बाइनरी अंक 0 और 1 को संयुक्त रूप से बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखना बिट। वाइट 8 बिट को सम्मिलित रूप से वाइट कहा जाता है। 1 किलोबाइट में 10 से 24 वाइट होती है। बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाली मुख्य लाइन होती है। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग निम्न प्राथमिकता वाले प्रोग्राम को उच्च प्राथमिकता वाले प्रोग्राम में बदलने की क्रिया। बैकअप सामान्यतः बैकअप कोई भी प्रोग्राम हो सकता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को खराब होने से बचाया जा सकता है। बैड सेक्टर स्टोरेज डिवाइस में वह स्थान जहां पर डाटा लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता है। बैंडविड्थ यह डाटा संचरण में प्रयोग की जाने वाली आवृत्ति की उच्चतम और न्यूनतम सीमा का अंतर बैंडविड्थ कहते हैं। बेस संख्या पद्धति में अंकों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को कहा जाता है। वेज फाइल DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग की वह फाइल जो स्वयं संपादित होती है। बैंड वह इकाई होती है जो डाटा संचारण की गति को मापता है। एक बैंड बराबर 1 बाइट या सेकंड प्रति सेकंड। ब्लिंकिंग किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को ब्लिंकिंग कहते हैं। डिवाइस वह डिवाइस जो व्यक्तियों के भौतिक गुणों में अंतर कर सकने में सक्षम है। वर्नौली डिस्क वह चुंबकीय डिस्क जो रीड व राइट दोनों में ही सक्षम है, डाटा भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। ब्रॉडबैंड कंप्यूटर नेटवर्क जिसके संचरण की गति 1 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड या इससे अधिक होती है। ब्राउज जब इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजा जाता है तो उस प्रक्रिया को ब्राउज कहते हैं। ब्रिजवेयर यह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटरों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। बबल मेमोरी जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय माध्यम का उपयोग किया जाता है। बफर एक प्रकार की डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति को एक समान बनाता है। वार्निंग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा के रूप में डाटा लिखा जाता है। वॉस एक प्रकार का मार्ग है जो डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ब्लूटूथ एक लघु रेडियो ट्रांसमीटर होता है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बूट क्या है? बूट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य
कहलाता है, क्रिचेस सहेल कहलाता है। चिप, चिप सामान्यतः सिलिकॉन अथवा अन्य अर्ध चालकों से बना छोटा टुकड़ा होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम किसी कार्य को विधिवत तरीके से पूर्ण करने के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का समूह होता है। साइबर स्पेस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में उपस्थित सूचनाओं का आदान प्रदान पूरे विश्व में किया जाता है। CDRW/W इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रीड है अपॉन राइट कहा जाता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को बार बार लिखा या पढ़ा जा सकता है। CDR इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है। इस स्टोरेज डिवाइस में डाटा केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन स्टोर डाटा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। CD-ROM जॉक बॉक्स इसमें विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जॉक बॉक्स कहते हैं। इस स्टोरेज डिवाइस में अनेक प्रकार की सीडियां ड्राइव्स डिस्कस आदि सम्मिलित होते हैं। सेल रो और कॉलम से निर्मित भाग को सेल कहते हैं। CPU इसका विस्तृत भाग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग है। यह कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं की प्रोसेसिंग करता है। यह कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कैरेक्टर फ्रंटर इसकी विशेषता यह है कि यह एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। फिर है चैट। क्या है चैट? इंटरनेट के द्वारा स्थिर अपने मित्र या सगे संबंधियों से वार्तालाप करना चैट कहलाता है। चैनल मैप वह प्रोग्राम जो अक्षरों अंकों के समूह को दर्शाता है चैनल मैप कहलाता है। चैट बॉक्स वह प्रोग्राम जिसके द्वारा किसी कार्य को सक्रिय या निष्क्रिय किया जाता है। ये प्रोग्राम विंडो के GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रयोग किए जाते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो नेटवर्क में सर्वर की सेवा प्रदान करता है क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्लिप आर्ट कंप्यूटर में उपस्थित रेखाचित्र का समूह क्लिप आर्ट कहलाता है। कंपोनेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले पुर्जे कंपोनेंट कहलाते हैं। कंपाइल उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइल कहलाता है। आगे कंपाइलर कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए उपयुक्त किया जाता है। कॉम्पेटिबल विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने में उनमें सामंजस्य बैठाना। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कार्य को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर भाषा पर में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। कॉमन कैरियर कैरियर एक संस्था जो डाटा संचरण की सुविधा प्रदान करती है। कमांड कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे कमांड कहते हैं। कोल्ड फॉल्ट कंप्यूटर पर काम करते करते अचानक दोष उत्पन्न हो जाता है परंतु कंप्यूटर को दोबारा ऑन करने पर दोष दूर हो जाना कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। कोल्ड बूट दिए गए नियमों द्वारा संपन्न करने की विधि को कोल्ड बूट कहते हैं। कोडिंग प्रोग्रामिंग भाषा में निर्देशों को लिखने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। कोएक्सल केबल एक विशेष तार जिसे डाटा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। कोएक्सल केबल में एक केंद्रीय तार तथा उसके चारों ओर तारों की जाली होती है। क्लॉक मदरबोर्ड पर स्थित डिजिटल संकेतों को उत्पन्न करने वाली घड़ी। क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की मेमोरी में आरक्षित वह स्थान होता है या किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश होते हैं। कंपोजिट वीडियो इसके द्वारा रंगीन आउटपुट प्राप्त होता है। कंप्यूटर गणना करने वाला एक यंत्र जो गहम द्वारा प्राप्त निर्देशों को प्रोसेसिंग करके उसका उपयुक्त परिणाम आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग डिजाइन बनाने अथवा डिजाइन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग प्रबंधन नियंत्रक आदि के कार्यों के लिए किया जाता है।
कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर में होने वाला कार्य तथा उन्हें अपने उन्हें करने का ज्ञान होना कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने जोड़कर बनाए जाने वाले यंत्र को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। फिर एक कंप्यूटर सिस्टम, उपकरणों का समूह जिसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड आदि कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। कंसोल, कंसोल एक प्रकार का टर्मिनल है जो मुख्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा कंप्यूटर में होने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखता है। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके ऊपर बहुत से बटन लगे होते हैं, इसके द्वारा कार्य की दशा निर्देशन होता है। क्लाइंडर, दो या दो से अधिक ट्रैकों का समूह होता है क्लाइंडर। साइकिल, साइलेंडर। कट, कट मॉनिटर को उपस्थित डाटा को डिलीट करने के लिए उपयुक्त कमांड है। कर्सर कंट्रोल की या कीबोर्ड कर्सर को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त की है। माउस खराब हो जाने पर इस की का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। फिर क्राइप्टोग्राफी, किसी डाटा या निर्देश को पासवर्ड के द्वारा संक्षिप्त संरक्षित कर देने तथा आवश्यक पड़ने पर पुनः सेव किए गए डाटा या तथा निर्देश को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। कोरेल ड्रा, डिजाइन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कोरेल ड्रा कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। डाटा, निर्देशों तथा सूचनाओं जिन्हें कंप्यूटर में स्टोर या अन्य कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आगे डाटाबेस, बहुत सी सूचनाओं का संग्रह डाटाबेस कहलाता है। डाटाबेस के द्वारा वांछित सूचनाओं को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, बहुत से प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा डाटा को व्यवस्थित करने, सूचनाएं देने अथवा उसमें परिवर्तन करने आदि कार्य सफलतापूर्वक किए जाते हैं। डाटा एंट्री, डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करना डाटा एंट्री कहलाता है। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा तथा निर्देशों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाकर आउटपुट प्राप्त करना अथवा डाटा को व्यवस्थित करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा रिडंडेंसी, एक फाइल या एक से अधिक बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सेव करना डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। डाटा ट्रांसफर रेट, यूजर द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देश को डाटा मेमोरी से मुख्य मेमोरी अथवा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने की दर को डाटा ट्रांसफर, डाटा स्थानांतर कहते हैं। डोगेदर डॉटर बोर्ड, मेन बोर्ड के साथ जुड़ने वाला सहायक बोर्ड डॉटर बोर्ड कहलाता है। डॉटर बोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। फिर डीबगिंग, दिए गए डाटा तथा प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने तथा उन्हें सुधारने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। डीबगिंग को उपयोग करने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को डीबगर कहते हैं। डिसीजन बॉक्स का फ्लोचार्ट बनाने में किया जाता है। इसके अंतर्गत दो कंडीशन होती है, एक हाँ व ना, जिसमें से एक कंडीशन को चुनना होता है। यह फ्लोचार्ट के मध्य प्रयोग किया जाता है। फिर डिसीजन लॉजिक, किसी डाटा या प्रोग्राम में दो या अधिक विकल्पों को चुनना डिसीजन लॉजिक कहलाता है। डिकोडर, यह डिवाइस कंप्यूटर को दिए गए डाटा को पढ़ने उसमें उनकी प्रोसेसिंग के लिए स्वतः ही निर्देश देती है। फिर डेडिकेटेड लाइन, यह प्राइवेट टेलीफोन लाइन होती है जो ध्वनि डाटा के स्थानांतरण के लिए उपयोग की जाती है। डिलीट, किसी सॉफ्टवेयर में उपस्थित डाटा से में से अवांछित डाटा को हटाना डिलीट कहलाता है। डिमोडुलेशन, इसके द्वारा मॉडुलेट किए गए डाटा माध्यम से अलग किए जाते हैं जिससे उस डाटा को पुनः उपयोग किया जा सकता है। डिमोलेशन के द्वारा एनालॉग किया को डिजिटल में परिवर्तित किया जा सकता है। डेस्कटॉप, कंप्यूटर को ऑन करने के तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आउटपुट डेस्कटॉप कहलाता है।
डेस्कटॉप पब्लिशिंग यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आमतौर पर प्रकाशन कार्यों में किया जाता है। डायलॉग बॉक्स इसका उपयोग कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संवाद करने के लिए किया जाता है। डायलॉग बॉक्स विंडो सॉफ्टवेयर में प्रयोग किया जाता है। डायल अप लाइन वह लाइन जिसके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है डायल अप लाइन कहलाती है। डिजिट कोई भी अंक चिन्ह जिसका उपयोग संख्या पद्धति में किया जाता है डिजिट कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर इन कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक संकेतकों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युगों में उपयुक्त कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल सिग्नल इसके द्वारा निर्देशों तथा डाटा को बाइनरी संख्या पद्धति में परिवर्तित किया जाता है। डिजिटल वीडियो डिस्क यह एक भंडार युक्ति है जिसमें सूचनाओं को पढ़ने तथा लिखने के लिए लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है जिस कारण से इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं। डिजिटेजर रेखीय डाटा को अंकीय रूप में परिवर्तित करने के लिए डिजिटेजर का उपयोग किया जाता है। डिस्क एक वृत्त के आकार का यंत्र जिसका उपयोग डाटा तथा निर्देशों को सूचनाओं के रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। डिस्क अरे हार्ड डिस्क के बहुत से समूह उसके नियंत्रक एवं ड्राइव को सम्मिलित रूप से डिस्क अरे कहते हैं। सम्मिलित समूह के कारण इसकी संग्रह क्षमता अत्यधिक होती है। डिस्क अरे को रेड भी कहते हैं। डिस्क ड्राइव वह डिस्क जिसके द्वारा संग्रहित डाटा पढ़ा व लिखा जा सकता है डिस्क ड्राइव कहलाती है। डिस्केट फ्लॉपी डिस्क को ही डिस्केट कहा जाता है। यह एक पतली लोचदार चुंबकीय डिस्क है जिसे डाटा भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके द्वारा कंप्यूटर को बूट किया जाता है कंप्यूटर का नियंत्रण किया जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। डिस्क पर दो या अधिक चुंबकीय डिस्क का समूह जिसे सॉफ्ट पर लगाकर भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। डिस्प्ले यूनिट वह यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे मॉनिटर भी कहा जाता है। अपनी स्क्रीन पर डाटा और परिणामों को प्रदर्शित करता है। डोमेन नेम वह विशिष्ट नाम जो सामान्य नियमों तथा प्रक्रियाओं द्वारा इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नाम बताता है। डॉट्स पर इंच डॉट प्रिंटर्स में DPI का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। प्रति एक इंच में उपस्थित बिंदुओं की संख्या है जो ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूप में होती है। डॉट पिच कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1 मिलीमीटर के क्षेत्र में उपस्थित कुल बिंदुओं की संख्या को डॉट पिच कहते हैं। फिर ड्रैग माउस द्वारा डाटा के किसी भाग को सिलेक्ट करने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया को ड्रैग कहते हैं। डोमेन टर्मिनल वह टर्मिनल जिसकी स्वतः प्रोसेसिंग नहीं होती है बल्कि सहायक टर्मिनल्स के द्वारा इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। चलिए अगले में हम बात करेंगे आगे देखेंगे अंतरजाल या इंटरनेट के बारे में क्या होता है इसे देखेंगे। ठीक अंतरजाल या इंटरनेट यह एक दूसरे से जुड़े संगठनों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। इसमें कई संगठनों विश्वविद्यालयों आदि के सरकारी और निजी संगठन जुड़े हुए हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में अंतरजाल नियमावली के जरिए सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अंतरजाल के जरिए मिलने वाली सूचनाओं और सेवाओं में अंतरजाल पृष्ठ वेब पेज ईमेल वाक्ची सेवा प्रमुख हैं। इसके साथ साथ चलचित्र संगीत वीडियो के इलेक्ट्रिक स्वरूप का आदान प्रदान भी अंतरजाल के जरिए होता है। संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो अमेरिकी सेना की सूचना और अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1973 में यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की। उस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि कंप्यूटरों के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी और प्रौद्योगिकी को एक दूसरे से जोड़ा जाए और एक नेटवर्क बनाया जाए जिसका उद्देश्य संचार संबंधी मूल बातों को एक साथ एक ही समय में अनेक कंप्यूटरों पर नेटवर्क के माध्यम से देखा और पढ़ा जा सकता है। इसे इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट नाम दिया गया जो आगे चलकर इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSFNet का विकास किया जो आज इंटरनेट पर संचार सेवाएं की रीढ़ है। एक सेकंड में 45 मेगाबाइट संचार सुविधा वाली इस प्रौद्योगिकी के कारण NSFNet
नेट 12 बिलियन सूचना पैकेट को एक महीने में अपने नेटवर्क पर आदान प्रदान करने में सक्षम हो गया है। इस प्रौद्योगिकी को और अधिक तेज गति देने के लिए नासा और ऊर्जा ने अनुसंधान किया और NSINet और ESNet जैसी सुविधाओं को इसका आधार बनाया। भारत में अंतरजाल 80 के दशक में आया जब इननेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम की ओर से प्रोत्साहन मिला। सामान्य उपयोग के लिए जाल 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ जब विदेश संचार निगम सीमित ने गेटवे सर्विस शुरू की VSNL। इंट्रानेट किसी संगठन के भीतर कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। एक्स्ट्रानेट कंप्यूटर के बीच कुछ संबंधित संगठनों का एक नेटवर्क है। फिर बात करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसका निर्माण अनाधिकृत उपयोग को रोकने व अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल का उपयोग अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क मुक्ता इंट्रानेट का उपयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। सभी संदेश जो इंटरनेट से बाहर जाते हैं या अंदर प्रवेश करते हैं वह फायरवॉल के माध्यम से जाते हैं। फायरवॉल सभी संदेशों की जांच करता है जो संदेश निर्देशित सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते उनको रोकता है। फिर DNS डोमेन नाम प्रणाली कंप्यूटर सेवाओं या किसी इंटरनेट या किसी निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक क्रमिक नामकरण प्रणाली है। यह प्रतिभागी को दिए गए डोमेन नाम के साथ भिन्न भिन्न जानकारी एकत्रित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यह मनुष्यों के लिए अर्थपूर्ण डोमेन नामों को पूरी दुनिया में इन उपकरणों को पहचानने तथा संबोधित करने के प्रयोजनों से नेटवर्किंग उपकरणों के साथ जुड़ी संख्यात्मक पहचान में बदल देती है। डोमेन नाम प्रणाली के बारे में अक्सर प्रयुक्त होने वाले कहावत है कि यह इंटरनेट के लिए फोन बुक के रूप में मनुष्यों के अनुकूल कंप्यूटर होस्ट नाम का IP एड्रेस के रूप में अनुवाद करती है। फिर बात करते हैं लोकप्रिय डोमेन नाम जैसे .jobs ये नौकरी का, .org संगठन से संबंधित, .gov सरकारी एजेंसियों, .name निजी, .in भारत, .edu शैक्षिक, .com वाणिज्यिक व्यापार, .mil सैन, .net नेटवर्क संगठन, .biz BIZ व्यापारिक संगठन। ठीक है, URL की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म संसाधन लोकेटर का एक वेब पृष्ठ का पता है या अन्य शब्दों URL में इंटरनेट पर हर फाइल का पता निर्दिष्ट करता है। 3 भागों में URL है। फाइल का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने जाकर किया जा करने के लिए प्रोटोकॉल HTTP अनुपाते डैश डैश IP www और राजस्थान ज्ञान .net जैसे .com। ठीक है, www के बाद ये कोई नाम है IP एड्रेस हो गया और .com ये डोमेन नेम। फिर ब्राउजर की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्राप्त करने से में मददगार सॉफ्टवेयर को ब्राउजर कहते हैं। नेटवर्क नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्वाधिक प्रचलित ब्राउजर है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो HTML और उससे संबंधित प्रोग्राम को पढ़ सकता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। यह संगणक द्वारा अंतरजाल के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। आमतौर पर इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय वेब आधारित पत्र पत्रिका सेवाएं जीमेल, याहू, रेडिट मेल, हॉटमेल, ईपत, सीपी, इंडिया टाइम्स, जपाक मेल, AOL मेल आदि। खोज इंजन की बात करें, खोज इंजन सर्च इंजन वेबसाइट पर चल रहा एक प्रकार का स्पेशल प्रोग्राम है
जो उपयोगकर्ता की आवश्यक जानकारी अन्य वेबसाइट से तलाश कर प्रदान करता है, उदाहरण के लिए गूगल, याहू, ETC, यातायात भीड़ ट्रैफिक, जहाँ भी कई उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में इंटरनेट से कनेक्शन हो रहा है या इंटरनेट सेवा प्रदाता की केबलों उपयोगकर्ताओं की अधिकतम गति का समर्थन करने में सक्षम नहीं है। एक घटना यह है कि वास्तव में ट्रैफिक जाम की तरह है। ठीक है, हम देख लेते हैं इंटरनेट शब्दावली। अटैचमेंट या अनुलग्न लग्नक, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की फाइल, मेल, संदेश के साथ जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी भेजी या प्राप्त की जाती है। फिर है ASCII, इसका अर्थ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह नोटपैड में सुरक्षित किए जाने वाले टेक्स्ट का वाई डिफॉल्ट फॉर्मेट है। यह यदि आप नोटपैड में किसी टेक्स्ट को प्राप्त कर रहे हैं तो वह फॉर्मेट ASCII है। फिर बात करते हैं ऑटो कंप्लीट। यह सुविधा ब्राउजर के एड्रेस बार में होती है। इसके शुरू में कुछ डाटा टाइप करते ही URL पूर्ण हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि URL पहले प्रयोग किया गया हो। फिर एंटीवायरस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से कंप्यूटर की मेमोरी या संगणक या संचिका में छुपे हुए वायरस को ढूंढ निकालने या संभव हो तो नष्ट करने की क्षमता होती है। बैंडविड्थ, इसके द्वारा इंटरनेट को स्पीड नापी जाती है। बैंडविड्थ जितनी अधिक होगी इंटरनेट की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। फिर बुकमार्क, ब्राउजर में स्थित विशेष लिंक जो किसी विशेष सेक्शन में लिंक बनाने में मदद करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में यह फेवरेट कहलाता है। कैश या टेम्पररी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सर्फिंग के दौरान वेब पेज और उससे संबंधित चित्र एक अस्थायी भंडार में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये तब तक नहीं हटते जब तक कि इन्हें हटाया ना जाए या ये रिप्लेस ना हो जाए। एक ही वेबसाइट पर जाना उतना ही आसान होता है क्योंकि समान कंटेंट डाउनलोड की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप अलग अलग साइट्स पर विजिट कर रहे हों तो ये फाइल आपकी स्पीड कम कर देती है। फिर कुकी, यह वेब सर्वर द्वारा भेजा गया डेटा होता है जिसे ब्राउजर द्वारा सर्वर के कंप्यूटर में एक संचिका में स्टोर कर लिया जाता है। डी मॉड्यूलेशन, मॉडेम से प्राप्त एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलने की प्रक्रिया को डी मॉड्यूलेशन कहलाते हैं। फिर डाउनलोड, किसी संचिका को वर्ल्ड वाइड वेब से कॉपी करने की प्रक्रिया डाउनलोड कहलाती है। क्षेत्रीय नाम पंजीकरण, किसी भी कंपनी को अपनी विशिष्ट पहचान कायम रखने के लिए अपनी कंपनी का नाम पंजीकरण करवाना होता है। यह प्रक्रिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह की देखरेख में चलती है। फिर ई कॉमर्स, इंटरनेट पर व्यापक लेखा जोखा रखने की प्रक्रिया और नेटवर्क पर खरीदी बिक्री की प्रक्रिया ई कॉमर्स कहलाती है। फिर होम पेज, वेब ब्राउजर से किसी साइट को ओपन करते ही जो पेज सामने खुलता है वह उसका होम पेज कहलाता है। ऐप ए क्यू, फ्रिक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन, वेबसाइट पर किसी खास विषय से जुड़े प्रश्न वेबसाइट पर FAQ के माध्यम से प्रश्न भी भेजे जा सकते हैं। डायल अप कनेक्शन, एक कंप्यूटर से मॉडेम द्वारा इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से स्टैंडर्ड फोन लाइन पर कनेक्शन को अब डायल अप कनेक्शन कहते हैं। डायल अप नेटवर्किंग, किसी पर्सनल कंप्यूटर को किसी अन्य पर्सनल कंप्यूटर पर लैन और इंटरनेट से जोड़ने वाले प्रोग्राम को डायल अप नेटवर्किंग कहते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन, किसी कंप्यूटर या लैन और इंटरनेट के बीच स्थायी संपर्क को डायरेक्ट कनेक्शन कहा जाता है। यदि फोन कनेक्शन कंपनी से टेलीफोन कनेक्शन लीज कर लिया जाता है तो उसे लीज्ड लाइन कनेक्शन कहते हैं। फिर संचिका, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग होने वाली मानक मार्कअप भाषा HTML भाषा टैग का उपयोग करती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्वर से किसी यूजर तक दस्तावेज को ट्रांसफर करने वाली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल HTTP कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट एक लोकप्रिय ऑफिस सूट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस का सभी कार्य किए जा सकते हैं। हम जानते हैं ऑफिस में कई काम होते हैं, जैसे पत्र का प्रारूप तैयार करना, गणना, सूचित्र, कार्य प्रस्तुतिकरण, डाटाबेस प्रबंधन, ईमेल आदि। इन सभी कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से करने के लिए सॉफ्टवेयर का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। इतिहास की देखते हैं इसका। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मेक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में प्रथम संस्करण लाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इसका वर्तमान संस्करण है। प्रमुख सॉफ्टवेयरों की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के प्रमुख सॉफ्टवेयर निम्न है: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट लिंक, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में शामिल एक लोकप्रिय शब्द संसाधक है। यह हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और पेंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। कार्यालय के दस्तावेजों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से सहेज कर रख सकते हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। मूल अंग्रेजी उच्चारण है इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैक ओएस एक्स के लिए किया है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुख्य विशेषता में इसकी गणना है, सुविधाएं, रेखांकन उपकरण, पिवट तालिका और एक मैक्रो प्रोग्रामिंग भाषा VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन शामिल है। 1993 में इसके संस्करण 5 के बाद से यह इन प्लेटफॉर्मों पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग होने वाला उपलब्ध स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में शामिल एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रथम संस्करण 22 मई 1990 को आया। यह विंडोज एवं एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से स्लाइड्स के माध्यम से विषय वस्तु प्रदर्शित की जाती है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ओएस एक्स के लिए किया। यह अनुपयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। इसका उपयोग डेटाबेस बनाने, डेटाबेस को मैनेज करने तथा विश्लेषण करने एवं रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो दोनों रूपों में उपलब्ध है, एक पृथक अनुपयोग के रूप में और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में। वर्तमान संस्करण विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 है और मैक के लिए 2011 है। हालांकि मुख्य रूप से अक्सर एक ईमेल अनुपयोग के रूप में प्रयुक्त, इसमें एक कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट टेकिंग, एक पत्रिका और वेब ब्राउजिंग शामिल है। इसे एक संपूर्ण अनुपयोग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या एक संगठन में बहु उपयोगकर्ताओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर के साथ काम कर सकता है, जैसे कि साझा मेल, वक्से और कैलेंडर, एक्सचेंज पब्लिक फोल्डर, शेयर पॉइंट सूची और तय कार्यक्रमों को पूरा करना। तृतीय पक्ष के कुछ ऐसे एड ऑन अनुपयोग हैं जो आउटलुक को अन्य उपकरणों जैसे ब्लैकबेरी मोबाइल फोन, अन्य सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस स्काइपी, इंटरनेट संचार के साथ एकीकृत करते हैं। डेवलपर्स माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के सिस्टम कस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और जो आउटलुक ऑफ और ऑफिस घटकों के साथ काम करें। इसके अलावा विंडोज
मोबाइल उपकरण लगभग सभी आउटलुक डेटा को आउटलुक मोबाइल संक्रमित कर सकते हैं। ये शॉर्ट कट की फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द एक्टिव विंडो डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस जेड एंडो एंड एक्शन, कंट्रोल प्लस वाई रेडो द लास्ट एक्शन ऑफ रिपीट एक्शन इन एक्शन, कंट्रोल प्लस है सेव ए डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट बी डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस के इनसाइड ए हाइपरलिंक, ए एल टी लेफ्ट एरो गो बैक वन पेज, ए एल टी राइट एरो गो फॉरवर्ड वन पेज, कंट्रोल प्लस सी कॉपी सिलेक्टेड टेस्ट और ग्राफिक्स ऑफ टू ऑफ टू द ऑफिस क्लिक बोर्ड, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू द ऑफिस क्लिप बोर्ड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए फॉर्मेट ए लेटर एज कैपिटल्स, कंट्रोल प्लस बी एफलिएज और रिमूव बोर्ड फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस आई अप्लाई और रिमूव इटालियन फॉर्मेट, कंट्रोल प्लस बराबर अप्लाई सब स्क्रिप्ट फॉर्मेशन फॉर्मेटिंग, ए एल टी एफ ए क्यू सेव एज, ए एल टी एस टी ई इंसर्ट टेबल कॉन्टेंट। ठीक है, देख लेना। स्क्रीनशॉट लेकर या आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे पीडीएफ, वहां से देख लेना। ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं वायरस और एंटीवायरस। बहुत सुनने में शब्द आते हैं तो आप लोगों को बता दें ये है क्या। वायरस बहुत माहिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं जो किसी भी कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हैं तथा उसके डाटा को खराब कर सकते हैं और कुछ समय में आपके कंप्यूटर पर कब्जा कर लेते हैं और विंडो को खराब या करप्ट कर देते हैं। एंटीवायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल करने से वह कंप्यूटर के अंदर छिपे वायरस को ढूंढ लेता है, उसे क्लीन कर देता है। एंटीवायरस के पास सभी वायरस नामों की एक लिस्ट होती है। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो अपनी लिस्ट से वायरस के नाम में को मैच करता है और मैच हो जाने पर उन्हें डिलीट कर देता है। एंटीवायरस अच्छी तरह से काम करे इसके लिए जरूरी है कि इंटरनेट के माध्यम से उसे डेली अपडेट किया जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस एंड अदर मेलिशियस प्रोग्राम। रेसिडेंट वायरस, मल्टी पार्टी डायरेक्ट एक्शन, अदर ओवर राइट वायरस, बूट वायरस, माइक्रो वायरस, डायरेक्टरी वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फाइल इंटरफेक्टर, इनक्रिप्टेड वायरस, कॉम्पेनियन वायरस, नेटवर्क वायरस, नॉन रेसिडेंट वायरस, स्टेल्थ वायरस, स्पेयर इन्फेक्टर्स, स्पेस फिल्डर वायरस, फेट वायरस, बॉर्म्स, ट्रोजन्स या ट्रोजन हॉर्सेस, लॉजिक बॉम्ब्स। वायरस से बचाव, किसी भी लुभावने विज्ञापनों वाले ईमेल को कंप्यूटर में नहीं खोलना चाहिए। जिसे ईमेल आईडी को नहीं जानते हैं उस ईमेल आईडी को नहीं खोलना चाहिए। नकली और पायरेटेड सीडी व डीवीडी या यूज कंप्यूटर में नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे कंप्यूटर की पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाएं तो उसे एंटीवायरस द्वारा स्कैन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कंप्यूटर में यूज करें उसे। ठीक है, तो ये थे एंटीवायरस और वायरस।